सुजानपुर नगर परिषद में नए अध्यक्ष का बनना तय हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया पर उपमंडल अधिकारी सुजानपुर ने मुहर लगा दी है, जिसके बाद इस प्रक्रिया को पूरी करके आगामी कार्रवाई के लिए उपायुक्त हमीरपुर के लिए प्रेषित कर दिया है। सुजानपुर नगर परिषद में नए अध्यक्ष का बनना तय हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया पर उपमंडल अधिकारी सुजानपुर ने मोहर लगा दी है, जिसके बाद इस प्रक्रिया को पूरी करके आगामी कार्यवाही के लिए उपायुक्त हमीरपुर के लिए प्रेषित कर दिया है। बताते चलें कि सुजानपुर नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के 5 पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रक्रिया को अपनाया था और इस शहर में एक पत्र उपायुक्त हमीरपुर को दिया था। उपायुक्त हमीरपुर ने उस पत्र पर कार्यवाही करके आगामी कार्यवाही के लिए सुजानपुर उपमंडल अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए सुजानपुर उपमंडल अधिकारी ने आज अविश्वास प्रक्रिया को लेकर नगर परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित की थी। बैठक में सभी पार्षदों में पहुंचना था, लेकिन भाजपा समर्पित 4 पार्षद बैठक से निराधार रहे और जो 5 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर उपायुक्त हमीरपुर के पास पहुंचे थे, उन सभी ने इस बैठक में हाजिरी लगाकर अविश्वास प्रक्रिया को कायम रखा और सुजानपुर उपमंडल अधिकारी से मांग करते हुए कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र नए अध्यक्ष को लेकर चुनावी प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। अविश्वास प्रस्ताव पर 5 पार्षदों की सहमति होने के बाद उपमंडल अधिकारी ने इस प्रक्रिया पर अपनी मोहर लगाकर जिला उपायुक्त हमीरपुर के पास प्रेषित कर दिया है। सुजानपुर उपमंडल अधिकारी शिल्पा बैक्टा ने समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही करके 5 पार्षदों ने नए अध्यक्ष बनाने की मांग की है। इसके लिए बैठक रखी गई थी। बैठक में तमाम कार्यवाही पूरी करके आगामी कार्यवाही के लिए जिला उपायुक्त के लिए प्रेषित कर दिया है। आज दिनांक 30 दिसंबर को हमने जो कार्यवाही नगर परिषद में की है वो एज पर MC इलेक्शन रूल्स 2015 एंड MC एक्ट 1994 के तहत हुई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया गया है, उसकी प्रोसीडिंग हम माननीय उपायुक्त महोदय को भेजेंगे, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।